ऑलराइट गाइस, आज हम बात करेंगे बीम्स की, किस तरह से वो बनी होती है, क्या उसका रोल होता है किसी स्ट्रक्चर में और कितने टाइप्स की बीम्स होती हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो बीम जो है एक हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होता है किसी भी स्ट्रक्चर में जो कि लोड को रेजिस्ट करने का काम करता है। और वो स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का कोई स्ट्रक्चर हो, कोई मशीन का फ्रेम हो, कोई एयरक्राफ्ट हो, कोई ऑटोमोबाइल हो, तो बीम हर जगह यूज़ हो सकती है। और जो उसका मेन रोल होता है वो होता है लोड को रेजिस्ट करना, और उस रेजिस्टेंस की वजह से उसके अंदर शीयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, शीयर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, और उन्हीं को हमें इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर सॉल्व करना है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स। सो बीम्स को तीन तरह से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, सेकंड बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशंस, और बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सपोर्ट। बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, बीम होती हैं स्ट्रेट बीम, कर्व्ड बीम, टेपर्ड बीम, या डिपेंड करती है शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, जैसे कि आई बीम, टी बीम या सी बीम। बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशंस, बीम होती है स्टैटिकली डिटर्मिनेट, मतलब कि उस बीम के अंदर जो भी रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगे उनको हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस से सॉल्व कर सकते हैं, और हमें और कोई मेथड या और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस बीम के रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए। और जो सेकंड टाइप है वो है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। इसका मतलब सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें एडिशनल डिफ्लेक्शन भी चाहिए होगा ताकि हम रिएक्शंस को सॉल्व कर सकें। थर्ड जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है टाइप ऑफ सपोर्ट, जिसमें कि पहला है सिंपली सपोर्टेड बीम जो कि कुछ इस तरह से दिखती है, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, कॉन्टीन्यूअस बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम और फिक्स्ड बीम। तो नॉर्मल लैंग्वेज में एक सिंपली सपोर्टेड बीम वो बीम होती है जो सिंपली किन्हीं दो सपोर्ट्स पे रखी गई होती है। कैंटिलीवर बीम वो होती है जो एक तरफ से तो फिक्स्ड होती है लेकिन दूसरी तरफ से उसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं होता, इसका मतलब वो ऊपर नीचे फ्रीली मूव कर सकता है। ओवरहैंगिंग बीम वो होती है जो आधी सिंपली सपोर्टेड होती है और आधी कैंटिलीवर की तरह होती है, इसका मतलब उसका आधे से ज़्यादा पार्ट तो सपोर्ट्स पे रखा होता है लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट जो है सपोर्ट से आगे निकल रहा होता है कैंटिलीवर की तरह, इसे कहते हैं हम ओवरहैंगिंग बीम। कॉन्टीन्यूअस बीम वो होती है जो दो से ज़्यादा सपोर्ट्स के ऊपर रखी गई हो और एक कॉन्टीन्यूअस बीम हो। प्रॉप्ड कैंटिलीवर वो बीम होती है जो एक तरफ से तो फिक्स्ड होती है पूरी तरह से लेकिन दूसरी तरफ उसके नीचे एक रोलर सपोर्ट होता है, उसे कहते हैं हम प्रॉप्ड कैंटिलीवर। और जो हमारी लास्ट है फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम वो होती है जो दोनों एंड से ही पूरी तरह से फिक्स्ड होती है, बिल्कुल रिजिड होती है, कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करती। मुझे लगता है आपको इन फोटो से कुछ आइडिया तो हो गया होगा कि ये बीम्स किस तरह से दिखती हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कैसे इन बीम्स के अंदर रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं और कैसे उन रिएक्शंस को हम सॉल्व करेंगे। And in the next lecture, we will talk about different type of supports and different type of loads. तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने GATE, IES और JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं next lecture में।